हेलो जी, क्या हाल चाल। तो आज थोड़ा सा और एक दो DIY देखने थे। एक रिक्वेस्ट आई थी देखने के लिए, पूछने के लिए कि ये हमारे जो रियर फुट पैग होती है कैसे निकलते हैं। आसान है, थोड़ा पेज ज़्यादा खोलने पड़ते हैं बस, और बाकी उस पर थोड़ा काम करते हैं। ये धोई नहीं अभी, V2 तो धुल गई थी, V3 का भी टाइम आएगा। और एक ये भी मैं बताऊंगा कि अगर फुट पैग आपको चेंज करने हो तो FG के रबड़ वाले डायरेक्ट फिट आ जाते हैं, इसमें थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं, इस वजह से मेरे को पसंद है। ये मैंने वापस लगाया है स्पेशली, आप अगर देखेंगे तो उस साइड का तो निकाल ही रखा है, तो वो वाला मैंने वापस नहीं लगाया। बस पूरा खोल के मैं बता दूंगा कि कैसे निकलता है ये। और ऐसे उस साइड का भी अगर आप देखेंगे तो उस साइड ऑलरेडी मैंने रबड़ वाला लगा ही रखा है, मेरे को कंफर्टेबल लगता है, अपनी अपनी चॉइस है। सुंदर तो यही ज़्यादा लगता है वैसे, बट चलिए। तो सबसे पहले तो सीट खोलनी पड़ेगी, पीछे स्लाइड हो जाएगी आसानी से। तो ये सीट आ गई है, अब नेक्स्ट हमें रियर वाली सीट खोलनी पड़ेगी। ये रबर निकल गया था, ये देखेंगे आप, 1, 2, 3, 4, ये इस वजह से दिक्कत दे रहा था। सिंपल ये लगाना, वरना सीट आसानी से स्लाइड हो जाती है बस घुमा के। हाँ जी, तो ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट यहाँ से ये कैप निकालेंगे, हाथ से निकल जाएगी, और इसके अंदर जाता है 12 नंबर का। तो ये 12 नंबर का आ गया, और इसके लिए मैं लंबे वाला यूज़ करता हूँ, छोटे वाला इतने अंदर तक जाता नहीं है तो दिक्कत होती है, तो इसके लिए लंबा ही सॉकेट कामयाब रहेगा। चलिए इसको पूरा बाहर निकाल देता हूँ, और ये ऑलमोस्ट बाहर आ गया। ये आपका 12 नंबर का। अब सीट आपकी थोड़ा सा आगे स्लाइड होके प्रॉपर बाहर आ जाएगी। ये हुक्स इसमें और इसमें जाते हैं, और ये पीछे वाला प्लास्टिक वाला यहाँ पे जाता है, और फिर ऐसे चलाता है। लगाने के बाद में बताएंगे। चलिए, जैसे मैं बोल रहा था, दो चार चीज़ें तो इसमें हमें खोलनी पड़ेंगी। तो पहले तो ये सुंदर टूल किट जो दी हुई इन्होंने, एक पेचकस पता नहीं क्यों दिया है, ये निकाल लेते हैं। बाकी बड़े ध्यान से, ये जो आप रबड़ देख रहे हैं, ये ऐसे उठा के, ये क्लैंप इस छेद में जाता है, एक ऐसे ही, ये इधर, और एक ऐसे ही, ये इधर, और ये पूरा का पूरा आपका रबड़ का बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कोई क्लैंप नहीं है बैटरी के पीछे, बस थोड़ा ध्यान से निकालिएगा दबा के। अब आप कोशिश कर सकते हैं, ये 12 नंबर के ही दो इधर होते हैं फुट पैक निकालने के लिए पीछे वाला, इनको घुमा के खोल के, मगर ये निकलने में थोड़ा अटकते हैं, उसकी वजह से बस हमें ये पीछे का निकाल के ढीला करके, और यहाँ से एक दो क्लैंप निकाल के, और इसके दो क्लैंप खोल के थोड़ा सा ढीला करना पड़ता है इस ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट है, ताकि आसानी से निकल सके और कहीं पर टकराए ना, ज़्यादा स्क्रैच वगैरह ना पड़े। ज़्यादा लंबा काम नहीं है, चलिए खोलते हैं। तो ये 10 नंबर के 1, 2, 3, 4 ऐसे ही नीचे की साइड में 5, 6, 7, 8 ये खुलेंगे, फिर ये पेच एक एक ये, चलिए खोलते हैं पहले। तो ये 10 नंबर का आपका इसमें लगेगा, और ऐसे ही नीचे वाले भी, चलिए इनको भी खोल लेते हैं। ऐसे उस तरफ, तो ये तो चारों खोलें, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब ये पेच भी खुलेंगे, थोड़ा नॉर्मल पेच का सी एस का, तो इनको निकालना तो आसानी है खोलने के बाद। थोड़ा सा ऐसे करके स्लाइड कर दीजिए, और ये पूरा ऐसे बाहर आ जाएगा। ये एक आ गया ऐसे इस तरफ का, बस थोड़ा सा करके स्लाइड, ये बाहर। अब निकालनी है हमें आखिरी, ये ब्लू वाली जो ये प्लेट होती है, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ये क्लैंप ये इधर दिख रहा है, और ऐसे एक ये क्लैंप दिख रहा होगा आपको, ये रहा, उंगली से दबा दीजिए बस, ऐसे ये वाला भी गिरनी नहीं चाहिए थी, स्क्रैच पड़ जाते हैं, बट चलिए धो के वापस लगाऊंगा आपको। अब ये आप देख रहे होंगे, ये आपका थोड़ा सा ढीला होने लग गया है,
मगर अभी भी आपको एक तो ये रिवेट निकालना है इधर से, और ऐसे ही एक रिवेट ये इधर से इस वाली क्लैडिंग का, एक रिवेट यहाँ ब्रेक के पीछे ये वाला, फिर एक पेच ये खुलेगा और एक ये। चलिए खोलते हैं जल्दी। तो ये एक स्क्रू ये गया आपका, हाथ में रख लिए थे मैंने सारे बिट्स। ये आपका बिट एलन की वाला, इसको ये भी निकाल लेते हैं। अब एक ये वाला स्क्रू ड्राइवर आपको ये सारा उस साइड का भी खोलना पड़ेगा। अगर मैंने तो एक निकला हुआ इस वजह से, मगर हाँ अगर दोनों साइड के निकाल ही रहे हैं, अब दोनों साइड के निकालेंगे तो ये सारे काम इस साइड भी करने पड़ेंगे। अब बच जाता है हमारा रिवेट का काम जो है ये। रिवेट खोलने का तरीका मैं पहले बता ही चुका हूँ। स्क्रू ड्राइवर लेके इसको थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए ऐसे, और जब ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तो नाखून से या पेचकस से खींच लीजिए और ये आपका रिवेट स्क्रू वाला बाहर आ जाएगा ऐसे ही। ये वाला भी चलिए मैं खोल लेता हूँ बस। तो वो दोनों रिवेट निकल गए। ये वाला रिवेट जो यहाँ पे लगा हुआ था, आपको छेद दिख रहा होगा, ये वाला रिवेट यहाँ से भी निकाल लिया है। और अब आपका एक लैंप बाहर आने को तैयार है। ये इसमें दो रबड़ माउंट होते हैं, एक ये इधर और एक ये नीचे, एक इसमें जाता है और एक ऊपर इसमें टैंक के साथ। बस अब हमारा आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा फ्री हो गया है, तो इस वजह से अब जब हम इसे निकालेंगे, बेसिकली ये आइडिया था इसको फ्री करने के लिए सारा सामान खोलना पड़ा है। अब तो कुछ नहीं, बस ये आपका 12 नंबर का बिट इसमें लगता है। तो ये 12 नंबर का बिट और बस ये लूज हो जाएगा। चलिए पूरा अब इनको खोल लेता हूँ एक बार। अब अगर आप देखेंगे दोनों पेज खुल गए और ये आपका बिल्कुल अब फ्री हो गया है। यहाँ से देखिए निकालने के लिए इसका सिंपल है, थोड़ा सा आपको प्लास्टिक तो करना पड़ेगा, शायद दोनों हाथों की ज़रूरत भी चाहिए हो, मगर आप ऐसे अगर इसको, सॉरी दिखाता हूँ, अगर आप इसको ऐसे प्यार से अब ऐसे टेढ़ा करेंगे तो ये आराम से नीचे चला जाएगा। पहले थोड़ी दिक्कत देता है क्योंकि आप देख रहे होंगे वो टकता है प्लास्टिक, तो उसको ढीला करना इस वजह से ज़रूरी है। निकाल लेंगे तो बहुत आसान है। बस अब चलिए निकल गया है, बाकी तो कुछ नहीं है, सारा बंद करते हैं। तो ये था जी फुटपैक निकालने का। अगर उस साइड का निकालना तो वो भी सेम प्रोसीजर है। अब तो खैर मैं बंद कर रहा हूँ, बस ये ध्यान रखिएगा ये बंद करते हुए जो क्लैंप है ये ऊपर जाएगा। ये गया, बस अब ये पेज बंद हो जाएंगे और ये इसका थोड़ा सा बाहर रह गया, ये गया, बस अब ये सारे पेज बंद हो जाएंगे। और जिस तरीके से खोला था पीछे का पूरा वो भी बंद हो जाएगा। मैं एंड में बस वो बता दूंगा, अभी तो ये पेज बंद कर लेता हूँ। तो ये पेज लगा लिए, ये आपके एलन की बंद हो गई, ये इधर वाला पेज बंद हो गया जो टैंक से कनेक्टेड था, और ये जो एक स्क्रू था इधर पीछे क्लैंप पे ये भी कनेक्ट हो गया। अब जो बच जाते थे वो थे रिवेट, एक रिवेट आपका लग गया है ये, एक रिवेट लग गया है ये। अब ये जो तीसरा रिवेट था ये याद रखिएगा, ये जो छेद दिख रहा होगा आपको अभी वो उधर, ये ऐसे जाता है, इसको नीचे से मत लगाइएगा, ये ऊपर से ऐसे बंद होगा। चलिए इसे भी बंद कर लेते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको शायद, ये रिवेट इधर से चला गया। बस एक्सपेरिमेंट के लिए बिना पीछे की क्लैडिंग लगाए देखते हैं बाइक कैसी लगती है सीट अटका के थोड़ा सा। अच्छा हाँ, सीट अटकाने का मैं बता देता हूँ, ये जो आपका बोल्ट के लिए छेद बना हुआ है ये पहले अंदर जाएगा थोड़ा सा, फिर ये जो आपको दो ब्रैकेट्स दिख रही हैं ये नीचे इस हुक में चली जाएंगी, ये जब दोनों साइड से हुक में चली जाएंगी तो पीछे रख के उसे इसको पीछे कर देना है और ये आपका सीट पूरी अंदर चली गई, याद रखिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग में, आगे वाली सीट लगा के देखते हैं अब। हाँ जी, तो बिना पीछे की क्लैडिंग लगाए भाई कुछ
ऐसी दिखती है। थोड़ा और चेंज करते हैं। हाँ जी, तो ये है बाइक बिना रियर के क्लैडिंग लगे हुए। साइड एंगल गैप थोड़ा ज़्यादा है, और ये पीछे से अगर देखें तो वैसे तो सही है, बट नहीं, ये गैप बहुत ज़्यादा है। ये गैप थोड़ा कम होता तो ऐसे भी चलाई जा सकती है शायद। ऐसे सही लग रही है। वैसे क्या बोलते हैं, लगाया जाए? लगा ही लेते हैं। चलिए चलिए जी, तो फिर अब पीछे का लगा ही लेते हैं। ये मैंने वॉश कर लिया था। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसको अच्छे से अपनी जगह पे फिट कर लें। इस तरीके से स्लाइड होकर चला जाएगा। ये यहाँ पे रहेगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्रू आना है। ये बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये फेरे के अंदर चला गया। अब दोनों हाथ चाहिए होंगे वैसे मुझे, कुछ कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये वाली जो आपकी साइड है कर्व वाली, ये आगे की तरफ रहेगी। अब इसको दिक्कत होगी, बट चलिए कोशिश करते हैं। अब इसको बिना अंदर घुसाए, क्योंकि आपने देखा होगा क्लैम्प जो पहले निकाले थे ये इधर ऊपर इसमें और नीचे इसमें रहे, उस साइड जाते हैं, मगर इनको अंदर मत दबाइएगा। पहले इसको इसमें अटका लीजिए, साइड जो क्लैडिंग है। अब एक बार इसमें अटक जाता है अच्छे से, तो अभी भी इसको दबाना नहीं है। अब हम दूसरी साइड वाला लगाएंगे, ये गिरेगा नहीं अगर ध्यान से लगाते हैं तो। अब हम बहुत ध्यान से इस साइड वाला इसमें लगाएंगे। ये ऊपर से थोड़ा सा अटका लिए, गैप छोड़ा थोड़ा, और अब इसको इसमें थोड़ा सा प्रेशर करके ये गया आपका, और अब ये चला गया। थोड़ा सा जुगाड़ है। अब आप ऊपर से देख लीजिए एक बार, पूरे क्लैंप वगैरह फिट हो गए अपनी जगह पे। ये भी अपनी जगह पे आ गए, ये भी अपनी जगह पे आ गए। उधर से भी बिल्कुल सही है, यानी कि पेस्ट टाइट हो सकते हैं। अब हम इसके जो क्लैंप थे उनको बड़े प्यार से अंदर दबा देंगे। चलिए, दोनों हाथ चाहिए होंगे मेरे को, समझ गए पॉइंट बेसिकली, मगर हमको दबाते हैं। वो अपनी जगह पे अच्छे से चलेंगे नहीं चलेंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये जैसे दिख रहा है इधर उधर, और ऐसे इस साइड भी। बस अब 10 नंबर के सारे पेज अपनी जगह पे चले जाएंगे। चलिए इनको जल्दी से बंद करते हैं। तो सिंपल ही था वो, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। बस ये सारे बंद हो गए हैं। ये पेज लगना था ऊपर से, ऐसे एक उस साइड से बंद है। बस अब सीट का देख लीजिए फिर से। ये जो है ये वाला जाएगा आपका पहले इसमें ऐसे। अब जब ये अंदर चला गया तो ये जो क्लैंप दिख रहे हैं, समझ रहे होंगे आप यार, ये इतना हाथ ना, ये क्लैंप बेसिकली जो अब ब्रैकेट में घुसते हुए दिख रहे हैं, हाँ ये ऐसे अंदर चले जाएंगे थोड़ा सा आगे करके, और फिर ये प्लास्टिक वाला पूरा पीछे। और अब सीट को पीछे कर दीजिए, यहाँ से उठा के देखिए, यहाँ से उठा के देखिए, सीट अंदर है। बस पेच बंद करके रबड़ लगा के सीट बंद है, बाकी तो मेरे ख्याल से दिखाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए जी, थैंक यू।